देवरिया में फूड पॉइजनिंग से बीमार छात्र की मौत। 2 दिन पूर्व दूषित खाना खाने से हुआ था बीमार। 80 से अधिक छात्र 2 दिन पहले हुए थे बीमार। विद्यालय प्रशासन की लापरवाही से छात्र की मौत। मेडिकल कॉलेज में 60 छात्रों का चल रहा इलाज। गंभीर बीमारी, 5 छात्रों का PICU वार्ड में भर्ती। देवरिया के मेहरौना राजकीय विद्यालय का है मामला। हमारे आश्रम पद्धति के विद्यालय में जो फूड पॉइजनिंग का इंसिडेंट हुआ था, उसमें आज एक दुखद घटना हो गई है। हमारे छात्र शिवम यादव, जो 15 वर्षीय छात्र थे, सन ऑफ श्री सदानंद यादव, जो फरेंदा महाराजगंज के रहने वाले हैं, उनका आज सवेरे BRD मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। इनका उपचार यहां पर मेडिकल कॉलेज में करवाया जा रहा था, परंतु कल शाम में अप्रत्याशित रूप से इनका ब्लड प्रेशर घटने लगा और जनपद में कार्डियोलॉजिस्ट की उपलब्धता न होने की वजह से डॉक्टर्स ने इन्हें BRD मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां ALS एम्बुलेंस से इन्हें पहुंचाया गया था और इनका उपचार किया जा रहा था। इनको वहां पर वेंटिलेटर सपोर्ट भी उपलब्ध कराया गया और यहां से समन्वय के लिए हमारे द्वारा एडिशनल CMO श्री सुरेंद्र चौधरी को भेजा गया था और प्रशासनिक रूप से भी हम वहां के डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार टच में थे, परंतु हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद भी हम इनको नहीं बचा पाए और आज सवेरे इनका निधन हुआ। और हमारे अब जितने भी बच्चे हमारे जनपद में मेडिकल कॉलेज में हैं, उन सबसे मेरे द्वारा कल भी और आज भी मुलाकात की गई थी। सभी की हालत बिल्कुल स्थिर है, किसी को कोई समस्या नहीं बताई जा रही है। आज से बच्चों का डिस्चार्ज भी शुरू हो जाएगा, वे अपने अपने घर पे या विद्यालय में जहां जाना चाहें वे चले जाएंगे। साथ में विद्यालय में भी हमारे द्वारा अभी भी मेडिकल कैंप उपलब्ध है, ORS की उपलब्धता है, कहीं किसी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।